अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो ये डिवाइस बहुत ही ज्यादा लो प्राइस में आई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये डिवाइस कितनी प्राइस रेंज में आई है। जैसे कि आपको मैंने कम्युनिटी टैब में बताया कि बहुत ज्यादा आपने गैस किया कि इतने में आई है, इतने में आई है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये डिवाइस कितने में आई है। अगर बात करें इसकी रिटेल प्राइस की तो ये आई है। रुको जरा, सबर करो यार, सबर काट लो, वीडियो को कंप्लीट देखो। मुझे पता है बहुत ज्यादा आप एक्साइटेड हो इस प्राइस को सुनने के लिए। ये 20,000 के अंडर आई है। वीडियो में नेक्स्ट अनबॉक्सिंग में आपको बताऊंगा कि एक्चुअल प्राइस इस मोबाइल फोन की कितनी होने वाली है। आप मेरे रेफरेंस से जाएंगे, आपको कितना डिस्काउंट मिलने वाला है, वो सारा मैं अनबॉक्सिंग में बताऊंगा। वीडियो को कंप्लीट देखो। इस मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग करने के लिए मैं इसलिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसमें 4GB रैम, 128GB की स्टोरेज आने वाली है, हीलियो का P25 चिपसेट आने वाला है और बहुत सारी ऐसी स्पेसिफिकेशन है। कैमरे की क्वालिटी बहुत ज्यादा आउट क्लास है, इसको मैं टेस्ट कर चुका हूँ और बहुत सारी स्पेसिफिकेशन है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आई होप आप अनबॉक्सिंग देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले आज के वीडियो के स्पॉन्सर की बात कर लेते हैं। ये वीडियो स्पॉन्सर की एमजे नाउ बाल वाले, जिनके दो नंबर यहाँ पर शो कर दूंगा। अगर आपको 5G नोट वन प्रो चाहिए और भी कोई भी डिवाइस चाहिए, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा रेफरेंस देंगे तो आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलने वाली है। सो अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये वीडियो हम सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम जो रिकॉर्ड किया वो देखे वो लगी है एडिटिंग पर, लेकिन उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं थी। तो फाइनली ये है जी आपकी डिवाइस 5G नोट 1 प्रो। सबसे पहले इसके रैपर को रिमूव करते हैं और देन देखते हैं कि क्या इस डिवाइस में स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाली है और क्या इसकी प्राइस होने वाली है एक्चुअल, वो तो मैं आपको आगे ही बताऊंगा ना। सबसे पहले इसको बॉक्स को ओपन करते हैं और इसके शैपर को रिमूव कर लेते हैं और उसके अलावा इसकी सील को ब्रेक करते हैं। जी हाँ जी, सबसे पहले अपनी सील को ब्रेक कर लिया। सो सील को कर लिया जी हमने ब्रेक। फ्रंट साइड पर आपको 5G नोट 1 प्रो के फ्रंट साइड और बैक साइड का दोनों का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। साइड की बात करें तो 5G की वारंटी और नोट 1 प्रो की ब्रांडिंग मिल जाएगी आपको। एम्प्टी बॉक्स बिल्कुल, यहाँ पर आपको PTA का लोगो देखने को मिल जाएगा, मीन्स ये PTA अप्रूव्ड है और साइड पर बिल्कुल एम्प्टी। बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल देखने को मिलने वाली है। मॉडल की बात करें तो 5G नोट 1 प्रो। डिस्प्ले की बात करें तो 6.6 इंच की HD+ डिस्प्ले आने वाली है, रेजोल्यूशन 720p, एंड्रॉयड वर्जन 10, प्रोसेसर P25, ट्रिपल कैमरा, 4GB 128GB रैम और बहुत कुछ है, वो सारा इसको ओपन करते हैं और देखते हैं हमें और बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाएगी जिसको अभी नहीं हम खोलने वाले, इसको भी साइड पर करते हैं और देखते हैं हमें बॉक्स में और क्या क्या कंटेंट देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या देखने को मिलने वाला है। इसको ओपन करते हैं, सबसे पहले आपको एक पावर ब्रिक देखने को मिल जाएगी जो कि आई थिंक 10 वाट की होने वाली है। इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये कितने वाट की होने वाली है। तो यहाँ पर आपको मिलने वाली है जी 2 एम्पीयर 5 वाट, मतलब 10 वाट की आपको चार्जिंग मिलने वाली है। ठीक है इस प्राइस रेंज में, लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं। यहाँ पर 18 वाट होते तो बहुत अच्छा होता। यहाँ पर आपको माइक्रो केबल देखने को मिलने वाली है, एक 5G के एयरफोन देखने को मिलने वाले हैं, इसको भी साइड पर करते हैं। कुछ आपको पेपर वर्क देखने को मिलने वाला है, इसको भी साइड पर करते हैं। उसके अलावा मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है, यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स आपका प्रोटेक्टर देखने को मिल जाएगा और केस तो सब में होती है, सिलिकॉन केस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और उसके अलावा आपका स्क्रीन प्रोटेक्टर देखने को मिल जाएगा। स्क्रीन प्रोटेक्टर वाला बहुत अच्छा काम होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी स्क्रीन प्रोटेक्टर अवेलेबल नहीं होता मार्केट में। अभी इनको साइड पर करते हैं और ये है जी आपकी डिवाइस 5G नोट 1 प्रो। थैली में से निकालते हैं तो ये है जी आपकी डिवाइस फाइनली 5G नोट 1 प्रो। इसको उठाते हैं और देखते हैं कुछ इस पर डिटेल देखने को मिल जाएगी। फ्रंट साइड पर 6.6 इंच की बिग स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। P24 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 2.3 GHz पर क्लॉक प्रोसेसर होने वाला है। ट्रिपल कैमरा है, 16 MP का मेन कैमरा है, 4GB रैम है, 128GB स्टोरेज है, बहुत अच्छी बात है और उसके अलावा 4000mAh की बैटरी है। सबसे पहले इसको रिमूव करते हैं ऊपर से, व्हाट अ शॉट ब्रो। और उसके अलावा बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेंसर देखने को मिलने वाला है, आईफोन 11 की शेप आप कह सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलने वाला है। उतनी देर हम डिवाइस को टर्न ऑन कर लेते हैं और इसे कुछ ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर साइड की बात करें तो आपको पॉप ऑन ऑफ बटन है, आपके वॉल्यूम की रॉकर्स हैं। ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपकी चार्जिंग पोर्ट है और उसके अलावा 3.5 mm का आपको जैक देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा साइड की बात करें तो साइड पर आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलने वाला। नीचे की तरफ बात करें तो आपके स्पीकर के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये है जी आपकी डिवाइस फाइनली। इस डिवाइस को मैंने टर्न ऑन कर लिया, बूट ऑन कर लिया और अब देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाली है। अगर हम प्राइस की बात करें तो ये आने वाला पाकिस्तानी मार्केट में 19,880 रुपये का। जी हाँ गाइस, 19,880 रुपये का, लेकिन यहाँ पर आपको ह्यूज डिस्काउंट मिल सकती है। अगर आप मेरे रेफरेंस से जाएंगे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकती है। रेफरेंस दे दूँ
तो 1000 से भी ज्यादा आपको डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ ओवरव्यू की। सो भी स्टार्ट कर लेते हैं इसके कुछ ओवरव्यू के बारे में। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले की क्वालिटी की। तो यहाँ पर आपको 720p की डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है, लेकिन इस प्राइस रेंज में मुझे अच्छी लगी है, बहुत ज्यादा बुरी भी नहीं है। टच स्मूथ बिल्कुल वर्क कर रहा है। ब्राइटनेस की बात करूँ तो यहाँ पर कोई भी आपको इशू नहीं आने वाला। फुल रिव्यू में आपको क्लियर कर दूंगा कि आप सनलाइट में से यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके अलावा बात करते हैं इसकी थिन की, तो नॉर्मल थिन है इसकी, बहुत ज्यादा बड़ी भी थिन नहीं है। और उसके अलावा बात करें इसकी नॉच की, तो यहाँ पर आप देखो देखिए बिल्कुल वाटर ड्रॉप नॉच आपको देखने को मिलने वाली है। उसके अलावा बात कर लेते हैं इसके बैक के डिजाइन की, तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा डिजाइन आपको मिलने वाला है। ये देखिए बहुत ही ज्यादा प्रीमियम किस्म का आपको डिजाइन यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। फुल शाइन में प्लास्टिक की बैग है, लेकिन आपको ऐसे फील होगा कि जैसे बहुत ही ज्यादा ये ग्लासी बैग है, लेकिन ये ग्लासी बैग नहीं है। देखिए पसीने के ऐसे उसने पकड़ लिया निशान। यहाँ पर आपके देखिए पैटर्न बेसिकली देखने को मिलने वाला है, वो हम आगे नेक्स्ट चैनल के कवर करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेंसर देखने को मिलने वाला है। 16 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा, उसकी भी स्पीड आगे चेक करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कैमरा क्वालिटी की, वो भी देख लेते हैं कि इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी होने वाली है। सबसे पहले एक पिक्चर क्लिक करते हैं और देन देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी निकल के आने वाली है। एक सिंपल मूड डिफॉल्ट मूड में पिक्चर क्लिक किया, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पिक्चर निकल गया है। ये देखिए इस प्राइस रेंज में बहुत ज़्यादा पिक्चर अच्छी निकल गई है। ये कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए मैं एक बॉक्स की पिक्चर ले लेता हूँ और आपको पता लग जाएगा कि इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है। और सिंपली एक पिक्चर ली, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी निकल के आ रही है। कलर कॉम्बिनेशन इस प्राइस रेंज में ये देखिए बहुत ज़्यादा प्यारी पिक्चर निकल के आई है। बैक कैमरा की मैं बात करूँ, अब फ्रंट कैमरा की बात कर लेते हैं, वो देखते हैं कैसा होने वाला है। फ्रंट कैमरा एक पिक्चर क्लिक किया, अब देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी निकल के आने वाली है। इसकी क्वालिटी नॉर्मल है, बट जो बैक कैमरा है बहुत अच्छा है। यहाँ पर देखिए इतनी भी बुरी नहीं है इसकी क्वालिटी। इसने बेसिकली पसीने के जो एक एक ड्रॉप है उसको क्लियरली कैप्चर कर लिया है। इस प्राइस रेंज में आपको यही देखने को मिलने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि बैक कैमरा की क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगी है। उसके अलावा बात करें इसकी कुछ और स्पेसिफिकेशन की, तो इसके अबाउट सेक्शन में जाते हैं और देखते हैं और क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाली है। इसके बेसिकली अबाउट सेक्शन में जाते हैं, यहाँ पर आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों देखने को मिलने वाले होते हैं। उसकी भी हम स्पीड आगे वीडियो में नेक्स्ट कवर करेंगे। यहाँ पर आपको 2 सिम देखने को मिलने वाली है। उसके अलावा मॉडल एंड हार्डवेयर ये भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपको मॉडल नाम है जी फिजी नोट 1 प्रो। उसके अलावा कुछ और डिटेल देखने को मिलने वाली है। एंड्रॉयड वर्जन आपको 9 देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा 4GB रैम और 128GB की यहाँ पर आपको EMMC 5.1 वाली स्टोरेज यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। अगर बात करें इसके चिपसेट की, तो यहाँ पर आपको मिलने वाला हीलियो P25 का चिपसेट देखने को मिलने वाला है, जो कि इस प्राइस रेंज में ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा और ना ही बहुत ज़्यादा बुरा है। अगर आप चिपसेट वाइज जाएंगे तो आपको और अच्छी डिवाइस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको 4GB 128GB का कॉम्बिनेशन, इसका डिज़ाइन, ट्रिपल कैमरा सेंसर और कैमरा क्वालिटी यहाँ पर आपको अच्छी देखने को मिलने वाली है यहाँ पर फिजी नोट 1 प्रो में। ये तो यार इस डिवाइस का कुछ ओवर व्यू, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड डिवाइस ये लगी है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या ये 19,000 के आसपास अगर आपको ये डिवाइस मिलती है पिन पैक, तो क्या ये डील बेटर होगी आपके लिए कि 19,000 रुपये में आपको ऐसी डिवाइस मिलती है जहाँ पर आपको 4GB 64GB देखने को मिलने वाली है, अच्छा कैमरा देखने को मिल रहा है, डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, ट्रिपल कैमरा सेंसर आईफोन वाला, और भी बहुत सारे फीचर आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उसके अलावा अगर आपको इस डिवाइस का फुल रिव्यू चाहिए, लाइक इसको मैं कैमरा टेस्ट करूं, इंडोर आउटडोर में शॉट करूं, इस पर गेमिंग करूं, इसको प्रोसेसर को यूज करूं, तो वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप इसको फुल रिव्यू हमें चाहिए, तो मैं आपको फुल रिव्यू बना के दे दूंगा। कमेंट बॉक्स में आपने मुझे जरूर बताना।